इस वक्त की एक बड़ी खबर एलविश यादव को लेकर, यूट्यूबर एलविश यादव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। एलविश यादव ने गुनाह कबूल किया है, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस के सामने एलविश ने अपना गुनाह कबूल किया। एलविश ने मानी जहर मंगवाने की बात, सांपों के जहर मंगवाने की बात एलविश यादव ने पूछताछ में कबूल ली है और इसी के बाद गिरफ्तारी हुई। रेव पार्टियों में भी सांपों के जहर मंगवाने की बात कबूली है एलविश यादव ने। एलविश ने कहा है कि वो आरोपियों को जानता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एलविश यादव की जेल में पहली रात बीती है, फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है एलविश यादव। कल गिरफ्तारी हुई थी, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, पूछताछ हुई थी एलविश यादव से और उसके बाद गिरफ्तारी एलविश यादव की। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये तस्दीक कर रही है कि एलविश यादव ने अपने गुनाह को कबूल किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर एलविश यादव को लेकर, यूट्यूबर एलविश यादव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। एलविश यादव ने गुनाह कबूल किया है, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस के सामने एलविश ने अपना गुनाह कबूल किया। एलविश ने मानी जहर मंगवाने की बात, सांपों के जहर मंगवाने की बात एलविश यादव ने पूछताछ में कबूल ली है और इसी के बाद गिरफ्तारी हुई। रेव पार्टियों में भी सांपों के जहर मंगवाने की बात कबूली है एलविश यादव ने। एलविश ने कहा है कि वो आरोपियों को जानता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर एलविश यादव की जेल में पहली रात बीती है, फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है एलविश यादव। कल गिरफ्तारी हुई थी, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, पूछताछ हुई थी एलविश यादव से और उसके बाद गिरफ्तारी एलविश यादव की। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये तस्दीक कर रही है कि एलविश यादव ने अपने गुनाह को कबूल किया।